जब्बा जनाब की तरफ से ही 20 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। भाई मोहतर सामईन, छोटे छोटे मासूम से बच्चे आपके सामने दुआएं, हदीस, नात, तकारीर, मसले मसाइल पेश करेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। हम अपनी जात के लिए सुबह से लेकर शाम तक कितने ऐसे पैसे खर्चा कर देते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती है। लिहाजा हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने इस इदारे के आपके सामने आकर जो भी पेश करेंगे, आप उनकी हौसला अफजाई, उन बच्चों को 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये देकर बच्चों की हौसला अफजाई करें। आइए उस जात की तरफ चलते हैं जिनके सदके में कायनात बनी है। बाद अज की सतु ही मुख्तसर, मेरी मुराद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आइए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का मौका है। नाते पाक के जरिए से माहौल में खुशगवारगी लाने के लिए और नूर को बिखेरने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं अरशीन आबिद मनियार को। वो आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामईन के सामने पेश करें। स्टेज पर जनाब कारी तैयब साहब देहगामी हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। हम कारी साहब का दिल की अमीक गहराइयों से पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में, अरशे माशाल्लाह बहुत अच्छे। भाई मोहतर सामईन,
बाकायदा हमारे जलसे का आगाज हो चुका है। जलसे में हिस्सा लेने वाले तमामी तलबा व तालिबात को, तमाम बच्चों को कंपलसरी पानी की बोतल और मदरसे का बैग ये इनाम में दिया जा रहा है मुंतजमीन की तरफ से। इसी तरह से जलसे में हिस्सा लेने वाले तमाम बच्चों को 20-20 रुपए का इनाम मुंतजमीन की तरफ से आया है। तमाम बच्चों के लिए 20 रुपए पानी की बोतल और मदरसे का बैग कंपलसरी रहेगा। भाई मोहतरम सामईन, आइए मस्जिद अबू हुरैरा के इमाम खतीब मौलाना शोएब साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, उनका दिल के मी गहराई से इस्तकबाल करते हैं। जनाब हाजी हैदर साहब की तरफ से भी नात पढ़ने वाली बच्ची को 20 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। मौलाना अब्दुल मतीन साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, आपका पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह से हमारे मोहल्ले की और हमारे मस्जिद की एक मुअज्जज शख्सियत आरसी पटेल हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर अलहाज मुबीन सर साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, हम उनका दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आइए कुरान करीम की अजमत इस उनवान से तकरीर पेश करने के लिए मदरसे हजा के एक तालिब इल्म को दावत देने जा रहे हैं, वो आए और सामईन के सामने कुरान करीम की अजमत इस मौजू पर तकरीर पेश करें। अबू बकर मुस्तफा मनियार को हम दावत दे रहे हैं, वो आए और सामईन के सामने कुरान की अजमत इस उनवान से तकरीर पेश करें। बच्चे शोर मत करो बेटा, نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم غيركم من تعلم القرآن وعلمه صدر محترم اسٹیج پر رونق و افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک جلسے میں میرا موضوع سکون دنیا کی اور سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن پاک ہمیں چلتے ہوئے سورج کی نظر یقین ہے کہ اس کا ایک ایک روح سچا اور سادی کے وہ قرآن پاک ہے جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن پاک جس کے صادق اور برحق سونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے بغیر دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ اے بیٹے اپنا انعام لے کر جاؤ قرآن کریم کی عظمت ہم سماعت کر رہے تھے آئیے کلیمہ طیبہ جسے ہم اول کلیمہ کہتے ہیں یہ سنانے کے لیے ہم دعوت دینے جا رہے ہیں زیشان شیخ زاکر کو وہ آئیں اور سامعین کے سامنے اول کلمہ پیش کریں ماشاءاللہ آپ دیکھو گے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے کسی کی عمر 5 سال کسی کی عمر 6 سال وہ سامعین کے سامنے کلمے دعائے حدیث پیش کریں گے زیشان شیخ زاکر آپ کے روبرو کلمہ طیبہ سناتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کے 5 ارکان ہوتے ہیں پہلا کلمہ دوسری نماز تیسرا روزہ چوتھی زکات پانچواں حج شاباش ماشاءاللہ اپنا انعام بھی لے کے جاؤ بہت اچھے بیٹا آئیے اول کلمہ کے بعد میں دوم کلمہ شہادت یہ سنانے کے لیے ہم دعوت دینے جا رہے ہیں مدرسہ ہدا کی طالبہ جویریہ نور شاہ کو وہ آئیں اور سامعین کے سامنے دوم کلمہ پیش کریں جس بچے نے پہلا کلمہ پڑھا اس کو ایک صاحب خیر کی طرف سے انعام آیا اپنا انعام لے کر جائے
अस्सलाम वालेकुम दुहुम कलिमा शहादत अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, अपना इनाम लेकर जाओ। आइए, पहला कलमा, दूसरा कलमा, अब तीसरा कलमा सुनाने के लिए। भाई सामईन, ये कलिमात जो है पांच कलमे गौर से सुनो। शादी वगैरह के अंदर पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई अगर सख्त आदमी मिलेगा नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, बबली बल जाती है। लिहाजा हमारे मकतब के बच्चे आपके सामने कलमे सुना रहे। तीसरा कलमा सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं साइमा इरफान शेख को, वो आए और सामईन के सामने सुवम कलिमा पेश करें। इन बच्चों को इनामात आ रहे हैं। अब्दुल जब्बा जनाब की तरफ से 20 रुपए आए, वो अपना इनाम लेकर जाए। बच्ची अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कलमाए तमजीद सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलील अजीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। साइम अपना इनाम लेकर जाओ। सुवम कलीमा हम सुन रहे थे, अब इसके बाद में चारुम कलीमा ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं समर खान इमरान खान। चारुम कलीमा सुनाने के लिए समर खान इमरान खान ये तालिब इल्म आए और सामईन के सामने चारुम कलीमा पेश करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चारुम कलिमा तो इल्ला इला इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व यमीतु बियदिल कय्यूम व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। माशाल्लाह, चारुम कलिमे के बाद में पंजुम कलिमा रद्द को पूरा ये सुनाने के लिए दावत देने जा रहे हैं मुईन अब्दुल रहीम शेख। ये आए और सामईन के सामने पंजुम कलिमा पेश करें मुईन अब्दुल रहीम शेख। भाई मुदस्सामीन, जनाब हाजी नासिर चौरंगी साहब, इनकी तरफ से जलसे में हिस्सा लेने वाले तमाम बच्चों के लिए 500 रुपए का इनाम आया है और मदरसे में पढ़ाने वाले मुदरिसीन के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। ऐसे हाजी नासिर चौरंगी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है। इसी तरह से आबिद खान अब्दुल रशीद खान साहब, इनकी तरफ से जलसे में हिस्सा लेने वाले तमाम बच्चों के लिए 500 रुपए का इनाम आया है और मदरसे में पढ़ाने वाले मुदरिसीन के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। टोटल 1000 रुपए का इनाम आबिद खान साहब की तरफ से और नासी चोरंगी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है। अल्लाह पाक देने को विनती कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पंजुम कलमा रद्दे कुफ्र अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन अल उशरिका बिका शैआ व ला आलमु बिही तुक्तु अनहु व तबर्रातु मिन अल कुफ्रि व शिरिकि वल किसिबि वल किवति वल मुक्तानि वल मआसी कुल्लिया अस्लमतु व आमनतु व कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, लीजिए साहब, पांच कलमे मदरसे हादा के तलबा व तालिबात ने सामईन के सामने पेश करे। अब इसके बाद में मदरसे हादा की एक छोटी सी मासूम सी तालिबा, हमारे सदर मोहतरम हाफिज नासिर साहब की नवासी, इस्लाम के पांच अरकान सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं अफीफा हाफिज सुल्तान साहब। ये तालिबा आए और सामईन के सामने इस्लाम के पांच अरकान पेश करे। अफीफा हाफिज सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के पांच अरकान है, पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथी जकात, पांचवा हज। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, मुफ्ती कासिम साहब मरकज मस्जिद के इमाम खतीब की तरफ से 20 रुपए का इनाम, आपी नासी साहब की तरफ से 20 रुपए का इनाम, 20 रुपए उमूमी इनाम और कंपलसरी बैग और बाटल। माशाल्लाह, इस बच्ची को इनाम मिली है। आइए अब इसके बाद में एक और साहब की तरफ से 10 रुपए। वुजू के फराइज, वुजू में कौन कौन सी चीजें फर्ज है ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं मदरसे हादा के तालिब इल्म अदनान अहमद शेख। अदनान अहमद शेख ये आए और सामईन के सामने वुजू के फराइज पेश करे। भाई मोहतरम सामईन, शहर शीरपुर की मुअज्जिज़ शख्सियत जनाब हाफिज असलम साहब हक्कानी हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, साथ में हाफिज शकील साहब भी है। दोनों साहिबैन का दिल की अमीक गहराइयों से पुरतबार इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वजू के चार फराइज है। नंबर एक पूरा चेहरा धोना, नंबर दो दोनों हाथ कोने समेत धोना, नंबर तीन सर के चौथा हिस्से का मसा करना, नंबर चार दोनों पे टकने समेत धोना। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आइए वजू के फराइज के बाद नवाकी से वजू, ये तो सुन लिया कि वजू के अंदर कौन कौन सी चीजें फर्ज है, अब हम सुनने जा रहे हैं वुजू किन किन चीजों से टूट जाता है। भाई सामाइन बहुत दिल के कानों से सुने, ध्यान से सुने। नवाकी से वुजू सुनाने के लिए मदरसे हाजा के होशियार तालिब इल्म हमजा सैयद खालिद को हम दावत देने जा रहे हैं, वो आए और सामाइन के सामने नवाकी से वुजू किन किन चीजों से वुजू टूट जाता है ये पेश करे। हमजा सैयद खालिद आपके रूबरू नवाकी से वुजू सुनाते हुए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواقض وضو یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک پاگل ہو جانا، نمبر دو بے ہوش ہو جانا، نمبر تین بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا بہ جانا، نمبر چار کسی بھی چیز کے سہارے سے ٹیک لگا کر سو جانا، نمبر پانچ سجدے رکو والی نماز میں کہیں کہا کر ہنسنا، نمبر چھ منہ بھر کر الٹی ہو جانا، نمبر سات ری یعنی ہوا کا خارج ہو جانا، نمبر آٹھ پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے کسی چیز کا چھوٹ جانا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ محمد حمزہ سید خالد ہمارے سامنے سنا رہے تھے، دھیان رکھے سب اس کو۔ آئیے اس کے بعد غسل کے فرائض یہ سنانے کے لیے ہم دعوت دینے جا رہے ہیں ہمیرا شیخ سعید مستری کو، یہ طالبہ آئے اور سامعین کے سامنے غسل کے فرائض پیش کرے۔ ہمیرا شیخ سعید مستری آپ کے روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے تین فرائض ہیں، نمبر ایک غرارہ کرنا، اگر روزہ ہو تو گلی کرنا، نمبر دو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر تین پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بار بھی جگہ سوکھی باقی نہ رہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے غسل کے فرائض۔ آدمی نے پوری ٹاکی بھی اگر خالی کر دیا اور اگر یہ تین چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی چھوڑ دیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ پاک غسل کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے ہمیں غسل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے اب اس کے آگے ہم غسل کی سنتیں، نہانے کی سنتیں اللہ کے رسول نے جو بیان فرمائی ہے کر کر ہمیں دکھایا ہے، اس کو سنانے کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں مظہر شیخ جاوید عرف انو بھائی کے صاحبزادے مظہر، ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں، وہ آئیں اور سامعین کے سامنے غسل کی سنتیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کی سنت ہے، نمبر ایک پاک ہونے کی نیت کرنا، نمبر دو دونوں آنکھ گڈوں کو لائے تک دھونا، نمبر تین شرمگاہوں کو دھونا، نمبر چار بدن پر کہیں ناپاکی وغیرہ لگی ہو تو اسے دھونا، نمبر پانچ وضو کرنا، نمبر چھ تین بار پورے بدن پر پانی بہانا، نمبر سات پہلے سر پر پھر بائیں دائیں کندھے پر اور پھر بائیں کندھے پر پانی پہنچانا، نمبر آٹھ جہاں پانی نہ پہنچا ہو ہاتھ سے مل کر پانی پہنچانا۔ ماشاءاللہ، اس طالب علم کو بھی ایک صاحب کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے اور کمپلسری انعام دیا جا رہا ہے، وہ اپنا انعام لے کر جائے۔ بھائی معزز سامعین، جناب الحاج عبدالجبار جناب کی طرف سے 270 روپے عمومی انعام تمام بچوں کے لیے آیا ہے، اسی طرح سے مدرسے حاضر میں پڑھانے والے تمام معلمین، تینوں معلمین کو عبدالجبار جناب کی طرف سے 2000 روپے کی رقم آئی ہے بطور ہدیے کی، اللہ پاک حاجی صاحب کے دینے کو بینتیا قبول فرمائے۔ آئیے اب ہم گھر میں داخل ہونے کی سنتیں سننے جا رہے ہیں، یہ سنانے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں مدرسے ہادہ کی طالبہ سمرین کلیم شیخ کو، وہ آئے اور سامعین کے سامنے گھر میں داخل ہونے کی سنتیں پیش کرے۔ بھائی مدرسہ سامعین دل کے کانوں سے سنیں کہ گھر میں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے۔
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घर में दाखिल होने की सुन्नत नंबर एक, अल्लाह का जिक्र करते हुए दाखिल होना। नंबर दो, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ना। नंबर तीन, खंकार कर या दरवाज़ा खटखटाकर इस तरह दाखिल होना कि घर वालों को मालूम हो जाए। नंबर चार, पहले दाया पाँव घर में दाखिल करना। नंबर पाँच, घर वालों को सलाम करना। माशाल्लाह, ये थी घर में दाखिल होने की सुन्नतें। आइए आगे घर से बाहर निकलने की सुन्नतें ये सुनाने के लिए मदरसे हादा की तालिबा जवेरिया साइम पटेल, इनको हम दावत देने जा रहे हैं, वो आए और सामईन के सामने घर से बाहर निकलने की सुन्नतें पेश करें। भाई मदर सामईन, जो हजरात साइड में खड़े हुए स्टेज के या पीछे बैठे हुए हो, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है स्टेज के सामने आए। बहुत सारी कुर्सियां आपका इंतजार कर रही है और कुर्सियों पर जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं वो आगे आकर नीचे बैठ जाए ताकि हमारे बड़े अहबाब को कुर्सियां बैठने के लिए आसानी से मिल जाए। तमामी लोगों से गुजारिश है, भाई इधर ना खड़ रहे, आ जाए भाई, जरा सामने आओ तो बात बने। पढ़ो बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। घर से बाहर निकलने की सुन्नत है। नंबर एक, घर वालों को सलाम करके निकलना। नंबर दो, पहले बाया पाँव घर के बाहर रखना। नंबर तीन, घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ के निकलना। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जवेरिया साइम पटेल आपके सामने घर से बाहर निकलने की सुन्नतें सुना रही थी। ये सुनने के लिए उसके दादा जान बहुत जल्दी से स्टेज के पीछे से आगे आ गए। हाँ माशाल्लाह, आइए अब घर से बाहर निकलने की दुआ ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं जोया अमजद अली को, वो आए और सामईन के सामने घर से बाहर निकलने की दुआ पेश करें। जोया अमजद अली आपके रूबरू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घर से बाहर निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अपना इनाम लेकर जाओ। भाई मोहतरम सामईन, शहर शेरपुर की मारूफ और मशहूर शख्सियत जामिया अक्ल कुआ की मशहूर शहाक उस्मान इब्ने अफ़ान अहमदपुर लातूर के नाज़िम आला प्रेसिडेंट हजरत मौलाना सैयद यूसुफ साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। हम हजरत मोहतरम का दिल की अमीक गहराइयों से पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। आपकी खिदमत में अहलम व सहलम व मरहबम बिकुम का नजराना पेश करते हैं। आप आए, बाहर आई, स्टेज पर रौनक आई। आइए आगे हम सोने की दुआ ये सुनने के लिए ये सुनाने के लिए दावत देने जा रहे हैं जैद तौसीफ पठान को, ये तालिब इल्म आए और सामईन के सामने सोने की दुआ पेश करे। जैद तौसीफ पठान, इसके बाद में खाने की दुआ सुनाएंगे आमिर नवाज शाह। ये तालिब इल्म जहां कहीं हो स्टेट के करीब आ जाए ताकि जैद के बाद उसका नंबर जल्दी लगे। भाई जो लोग खड़े हो इत्मीनान से बैठ कर माशाल्लाह बच्चों का प्रोग्राम समाप्त करें। आपको मालूम पड़ेगा कि इन मकतबों के अंदर बच्चों पर किस तरह से मेहनत की जाती है और इन्हें क्या क्या सिखाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, सोने से पहले पढ़ने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतुवाया। माशाल्लाह, आइए ये थी सोने की दुआ। अब इसके बाद में खाने की दुआ सुनाने के लिए आमिर नवाज शाह, ये तालिब इल्म आपके रूबरू खाने की दुआ सुनाते हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं खाने के पहले की दुआ सुनाने आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाने से पहले की दुआ हमने भी सुनी। अब उसके बाद में अगर जल्दी जल्दी में खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ना भूल जाए तो क्या करना चाहिए, ये सुनाने के लिए। खाने की दुआ भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, ये सुनाने के लिए हम दावत दे रहे इजान इमरान मनियार को, वो आए और सामईन के सामने खाने की दुआ भूल जाए तो कौन सी दुआ पढ़े ये पेश करें। इसके बाद में इरम फातिमा मलिक इरफान, ये तालिबा आगे रहे। भाई मोहतरम सामईन,
देखो इन मकतबों के अंदर बच्चों को जिंदगी जीने का सलीका ढंग ये सिखाया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाई जाती है। आइए अगर हम खाने की दुआ भूल गए तो इस्लाम हमारी क्या रहबरी करता है ये समाप्त कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। खाना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े। माशाल्लाह बिस्मिल्लाही अव्वलहु आखिरहु माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई। हमारा तो ये आलम दावत में गए तो पहले जगह ढूंढते और भूख के संताप में भी जब खाना चालू करते हैं फिर पूछो मत, देख मत, घूर के चलने दे चूर के, अल्लाह हिफाजत करे। आइए अब इसके बाद में खाना खाने के बाद की दुआ ये सुनाने के लिए हमारे सामने इरम फातिमा मलिक इरफान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाना खाने से बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व ज़काना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे बेटा। भाई मोहतरम सामईन अब खाने की दुआ, कुछ दुआ भूल गए तो वो दुआ, खाने के बाद की दुआ। अब किसी के वहाँ दावत खाने जाएं तो कौन सी दुआ पढ़े ये सुनाने के लिए हमारे सामने बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सोने की दुआ। माशाल्लाह ये सोने की दुआ थी। बुशरा साबिर शाह ये तालिबा आए और दावत के खाने की दुआ ये सामईन के सामने पेश करे। अस्सलाम वालेकुम जब किसी के यहाँ दावत खाने जाए तो ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा अत इमन अत अमानी वस्कीमन सकानी। माशाल्लाह इससे पहले जो तालिब इल्म ने सोने की दुआ सुनाई हसनैन वसीम शाह, अब आगे वुजू के फराइद ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं ओएस अल्ताफ हलवाई को। वो आए और सामईन के सामने वुजू के फराइद पेश करे। अस्सलाम वालेकुम। वजू में चार पराइजे, नंबर एक पूरा चेहरा धोना, नंबर दो दोनों हाथ तूनी समेत धोना, नंबर तीन चलते चौधाई तीन मत करना, नंबर चार दोनों पैर तने समेत धोना। माशाल्लाह। आइए अब इसके बाद में पानी पीने की दुआ ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं उमेर अमजद खान को। वो आए और सामईन के सामने पानी पीने की दुआ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पानी पीने की पहले पढ़ने की दुआ। वो शका रब्बा शराब तौरा। माशाल्लाह। आइए अब इसके बाद में पानी पीने की सुन्नतें, पानी किस तरह से पीना चाहिए ये सुनाने के लिए मारिया शाहरुख पटेल सामईन के सामने पानी पीने की सुन्नतें सुनाते हुए मारिया शाहरुख पटेल। अस्सलाम वालेकुम। पानी पीने की सुन्नत, नंबर एक दाया हाथ से पीना, नंबर दो बैठ कर पीना, नंबर चार देख कर पीना, नंबर छह बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना, नंबर पाँच तीन सांस में पीना। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मारिया शाहरुख पटेल पानी पीने की सुन्नतें सुना रहे थे। अब इसके बाद में दूध पीने के बाद की दुआ उमेर अब्दुलरहमान पटेल, इनको हम दावत दे रहे हो, आए और दूध पीने की दुआ सामईन के सामने पेश करें उमेर अब्दुलरहमान पटेल। ए बच्चे शोर मत करो। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूध पीने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिनहू। क्या बात है माशाल्लाह बहुत अच्छे बेटे। आइए अब सूरह अहद ये सुनाने के लिए हम दावत दे रहे हैं मदरसे हादा के छोटे से तालिब इल्म मोहम्मद अली साजिद शेख को। वो आए और सामईन के सामने सूरह इखलास की सूरत पेश करें। मोहम्मदुर रचुरिन्ना करना और ना तो मत या अमृत
ओहो, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलो, क्या बात है। हाँ देखो भाई, इस उम्र में तो पाजामे की नाड़ी बांधना नहीं आती है, और हमारे ये बच्चे आपके सामने सूरह इखलास और दुआएं पेश कर रहे हैं। आइए इसके बाद में सूरह कौसर ये सुनाने के लिए हम दावत दे रहे हैं फहद अकबर शेख को। ये तालिब इल्म आए और सूरह कौसर सामईन के सामने पेश करे। इसके बाद में अनस आरिफ शेख स्टेज के करीब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। बहुत अच्छे। हजरत मौलाना यूसुफ साहब फरमा रहे कि बच्चों में झिझक नहीं रही, यानी स्टेट डेयरिंग आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, यह असातिदा की मेहनतों की बरकत है। आइए इसके आगे हम अनस आरिफ शेख ये सामईन के सामने एक नंबर और दो नंबर हदीस पेश करते हुए। अनस आरिफ शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। हदीस नंबर एक, नौ मुस्तवादी हम नौ रिस्को सुबह के वक्त का सोना रिस्को को रोकता है। हदीस नंबर दो, अस्सलामु कबलम कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, हजरत मौलाना सादिक साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। हम दिल की अमीक गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लाए। आइए अब इसके बाद में हदीस नंबर तीन और चार ये सुनाने के लिए हमारे सामने जैद जावीद कुरैशी आपके सामने हदीस नंबर तीन और चार सुनाते हुए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हदीस नंबर तीन, अत्तौरुशतुरुल्लिमांतर जमा पाकि अदा ईमान है। हदीस नंबर चार, अलउजू मित्तौसलात तर्जमा वजू नास्की उंजे। माशाल्लाह, देखो भाई जो बच्चे शोर कर रहे हैं, जिसका नंबर नहीं आया है उसको घर पे रवाना कर दिया जाएगा, जिसको इनाम मिला है उसका इनाम ले लिया जाएगा, इसलिए शोर ना करें। आइए इसके बाद में हम हमारी मस्जिद के इमाम व खतीब हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब के फरजंद अर्जुमन अरकम खान अतीन खाक अतीक खान इनको दावत दे रहे, वो आए और सामईन के सामने हदीस नंबर पाँच और हदीस नंबर छः पेश करें। अरकम खान अतीक खान आपके रूबरू। अस्सलामुअलैकुम। हदीस नंबर पाँच, ज़ुल्म ज़ुल्मात यौम अल क़ियामा ज़ुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरे में होगा। हदीस नंबर छः, मास फला मिनल का वही नी मिनल लिसार भी नाटक न करो, इससे पैजामे के नीचे रंग जहन्नम में जाएगा। माशाल्लाह भाई, बड़ी शिद्दत के बाद इस बच्चे का नंबर आया है। इससे पहले दो स्टेजी प्रोग्राम उधर हुए, वहाँ पर भी ये मेरे बाजू में बैठकर मेरे कान में खुसुर खुसुर, मैं पढ़ू क्या। लेकिन आज उसके अरमान पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस नंबर पाँच और हदीस नंबर छः बेझिझक होकर सामईन के सामने पेश किया। अल्लाह इल्म में, अमर में, उम्र में बरकत अता करे। आइए इसके बाद में सना सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं अश्मीरा अशफाक शेख जोया आसिफ सैयद। ये तालिबात आए और सामईन के सामने सना पेश करे। अश्मीरा अशफाक शेख जोया आसिफ सैयद। السلام عليكم سنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله بہت اچھے. آئیے ہم سنا سماعت کر رہے تھے. اس کے بعد میں کھانے کی دعا سنانے کے لیے मदरसे हादा के छोटे से तालिब इल्म अरशद याकूब शाह ये तशरीफ ला रहे हैं और सामईन के सामने खाने की दुआ पेश कर रहे हैं।
एकदम धुआदार, बिस्मिल्ला वाला बरकतिल्ला, जितना भी सभी दरला क्यों। आइए इसके बाद में तशहुद यानी अत्तयात, जिसके बगैर नमाज नहीं होती है। माशाल्लाह बहुत सारा मजमा हमारा आ चुका है, तमामी हजरात इत्मीनान से बच्चे जो सुना रहे उसको समाप्त करें। तशहुद दरूद शरीफ ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं जैद मोहम्मद जहीर शेख, ये तालिब इल्म आए और सामईन के सामने दरूद शरीफ पेश करें। जैद मोहम्मद जहीर शेख, अस्सलामु अलैकुम दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। भाई मोहतरम सामईन, आइए हमारे माशरे में सूद, हराम की कमाई का रिवाज, सूद एक ऐसा जहर है जो बहुत तेजी से पनप रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा सूद की मजम्मत बयान करने के लिए, इसकी कवाहत और इसके नुकसानात और इसकी तबाहकारियों को बयान करने के लिए एक होनहार तालिबा हमारे सामने स्टेज पर तशरीफ ला रही है। हम दावत देने जा रहे हैं मिनहाज शेख एजाज को, वो आए और सामईन के सामने सूद की मजम्मत इस उन्वान से तकरीर पेश करें। मिनहाज शेख एजाज आपके रूबरू सूद की मजम्मत पेश करते हुए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूद एक बदतरीन गुनाह है, सख्त तरीन लानत है, ऐसी लानत के जो इसका शिकार हुआ तबाही व बर्बादी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, ऐसी बुराई जो इसका आदि बना इसकी नस्ल तबाह हो गई, और ऐसी बीमारी के जिसे लग गई हैवानियत और शैतानियत इसके पूरे जिस्म में सराइयत कर गई। आज दुनिया जिन खराबियों और परेशानियों से दोचार है इनमें सूद का बहुत बड़ा हाथ मौजूद है। दरअसल सूदी कारोबार के मौजूदा ठेकेदार इसराइल के बदकसलत यहूदी है जो पूरी दुनिया को गुर्बत व अफलास के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों के जहनों में यह बात बता दी है कि अब सूद के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता। फिर एक और धोखा यह दिया कि सूद का नाम तब्दील करके लोगों के सामने पेश किया, कभी लोन का नाम देकर सूद का बढ़ावा, कभी LIC के नाम पर सूद का कारोबार, तो कभी बचत गट के नाम पर सूद का प्रचार। नतीजा ये हुआ कि कल जो लोग सूद से दूर थे आज इसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। वो औरतें जो सूद से नफरत करती थी संगा जैसी बीमारी में लतपत हो गई है, और वो लोग जो सूद को बुरा समझते थे अब इसके जायज होने के लिए फतवा तलाश करते फिरते हैं। मेरे बुजुर्गों, सूद इस्लाम की नजर में इंतहाई बुरा और सख्त तरीन गुनाह है। इरशाद रबानी है, यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदकात। अल्लाह ताला सूद को मिटाता और खत्म कर देता है जबकि सदका ज़कात माल को बढ़ाता है। और आंद्रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नर रिबा व इन कसर फ इन आकिबतहु तसीरु इला कुल्ली। सूद से माल को कितना ही बढ़ता नजर आए आखिरकार वो नुकसान और कमी की तरफ ले जाता है। हमारे वो मुसलमान मर्द और औरत जो लोन और संगा के नाम पर सूद खाते हैं, जरा कान खोल कर सुन ले। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फअल्लम तफअलु फहज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। यानी ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सूदी लेन देन छोड़ दो अगर तुम वाकई सच्चे मोमिन हो, और अगर तुम ऐसा करने से बाज नहीं आते तो अल्लाह और इसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सूद कितना बड़ा गुनाह है कि इसके करने वाले को अल्लाह ताला जंग का ऐलान करता है, मगर अफसोस के मुसलमान दिन रात सूद की बुराइयों में घुसते ही जा रहे हैं। हजरत, आइए आखिर में कुछ हदीसें भी सुनाती चलूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझकर सूद का एक दरहम खाए तो 36 दफ़ा
जिना करने से ज्यादा सख्त है फरमाया। सूद के 70 दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का ये है कि आदमी अपनी माँ से जिना करे। अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मेरा ऐसे लोगों पर गुजर हुआ जिनके पेट घड़ों जैसे बड़े बड़े थे, जिनमें सांप भरे हुए थे। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन लोग है? उन्होंने कहा, यह सूद खाने वाले है। दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत की इससे हिफाजत फरमाए और हमें नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे बेटे। सामईन, सूद की मजम्मत हमारे सामने ये तालिबा बयान कर रही थी। बहुत सारे लोगों की तरफ से इनाम है, बच्ची अपना इनाम लेकर जाए। ये लो बेटा, और भाई मदर सामईन, जितने तलबा व तालिबात ने नाजर कुरान की तकमील की है, इन तमाम को कारी तैयब साहब की तरफ से 50-50 रुपए का इनाम आया है। और तीनों मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन को एक एक ड्रेस सिलाई के साथ, सिलाई की रकम के साथ कारी तैयब साहब की तरफ से आई है। अल्लाह तबारक व ताला उनके देने को बेनतिया कबूल फरमाए। आइए आगे दुआए मासूरा ये सुनाने के लिए हम दावत देने जा रहे हैं मिसबा मलिक आरिफ को, वो आए और सामईन के सामने दुआए मासूरा पेश करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़नबतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता मग़फिरली مغفلی فقفرت امین ہندی کا ورحم نین ناق انتل کا فرو رہی۔ ماشاءاللہ۔ آئیے اب تشہود یعنی اتیات، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ سنانے کے لئے ہم دعوت دے رہے ہیں فیصل شیخ عظیم کو، وہ آئے اور سامعین کے سامنے تشہود یعنی اتیات پیش کرے۔ فیصل شیخ عظیم۔ السلام علیکم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ۔ आइए अब इसके बाद में खाने की दुआ सुनाने के लिए हसनैन शेख जमील ये तालिब इल्म आए और सामईन के सामने खाने की दुआ पेश करे। हसनैन शेख जमील। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही। खाना खाने से पहले पढ़ने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बगत इल्ला। माशाल्लाह माशाल्लाह। भैया अजान हो रही है, अजान का जवाब दे। अजान के फौरन बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू रहेगा। माशाल्लाह। उसके बाद